हे हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ चार महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपको डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी में जो अभी आपकी शिकायत भेजनी है, अपनी शिकायत भेजनी है, तो ये चार महत्वपूर्ण बातें यदि आपने इसमें शामिल नहीं की तो आपका जो रिप्रेजेंटेशन वो कैंसिल हो सकता है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि हमें क्या याद ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जिस भी आप क्लास से हैं, यदि क्लास 10th से हैं, क्लास 12th से हैं, तो उस एनवेलप में, उस रिपोर्ट में आपको अपने क्लास को मेंशन करना नहीं भूलना है। नंबर टू जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप अपनी जो रिप्रेजेंटेशन दे रहेंगे डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी को वो शॉर्ट्स हो, यानी छोटे कम शब्दों में और सटीक हो। ऐसा ना हो कि सीबीएसई को पता नहीं चले कि आप कहना क्या चाहते हैं, तो ये भी याद रखना शॉर्ट्स हो। तीसरी नंबर चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है दोस्तों कि यदि आपके पास कोई रिकॉर्डिंग है, अगर जैसे हमने देखा कि बहुत से बच्चे बोले सर हमारे स्कूल से पैसे लिए गए हैं, अगर उसकी कोई रिकॉर्डिंग है पैसे लेने की या कोई वीडियो क्लिप है, तो वो सारी चीज़ें आप रिकॉर्ड के साथ वहाँ पर दे सकते हैं। नंबर चार जो आपको अपने एनवेलप में याद रखना है, तो वो दोस्तों यदि आप जिस भी स्कूल से हैं, आपका रोल नंबर, सेक्शन, ठीक है, वो सारी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी सही तरीके से उसमें ऐड होना चाहिए दोस्तों। तो ये चार महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। इसके बिना जो है आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैंसिल भी हो सकता है। तो ये चार महत्वपूर्ण चीज़ें जो मुझे आपको बतानी थी दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबाना ना भूले दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।